बनू किती दिवस झाले व्लॉग नाही बनवलं तू या वीक मध्ये तर का माहिती का पूर्ण आपलं ते टायमिंग चेंज होते ना हा तेच ना हॅलो गाईज व्हॉट्सअप एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल आय होप यू गाईज आर डूइंग ॲब्सोल्युटली फाईन आज देख रहे हो कौन है अपने साथ हेलो एवरीवन पागल सी लड़की सावली सी लड़की सावली सी सुतरी सावली सी एक लड़की और मौसम बहुत अच्छे हुआ है और एक हफ्ते से ना एक हफ्ते से मैंने व्लॉग ही शूट नहीं किया था एक्चुअली सीन क्या हो रहा था हमारे ऑफिस का टाइमिंग चेंज हो गया है ना अभी तामिनी घाट जाके आया है गाइस अरे हां तामिनी घाट जाने के बाद जब रिटर्न आया ना तब से वो नींद का चक्कर है ना कम्प्लीट ही नहीं हो रहा था मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया था सीन ऐसा हो रहा था कि नींद कम्प्लीट नहीं हो रही और वो एनर्जी नहीं आ रही थी सो अभी थोड़ा सा यू नो व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं कितने दिन के बाद सो आज कंटिन्यू करते हैं एंड आज का सच में मैं तो बहुत प्यारा है यस बहुत सही टू गुड तो चलो गाइस शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की एंड ये व्लॉग आई थिंक दो तीन दिन चलेगा क्योंकि इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा हूँ मैं एंड करते हैं चलो करते हैं कुछ ना कुछ विल डू जय श्री राम हेलो गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ये देखो आज का वेदर क्या ही मौसम सही लग रहा है ना एंड इट्स अ सनी डे आई थिंक मैंने देखा नहीं चेकआउट नहीं किया वेदर अपना लेकिन बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है क्या बुक करी थी गाइस क्या पता नहीं पता रही मैसेज तो आ गया कि विल रीच इन 5 मिनट्स वेटिंग आ जाएगी सोशल गाइज आज का सीन कैसा है आज का सीन मतलब ना कुछ नहीं होगा सीरियसली बातें हो रही थी बस ये देखो क्या पानी का कॉल आ गया कॉल रिसीव करते हैं देखते हैं किधर पहुंचा एंड निकलते हैं फिर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है तो ऐसे ना गाइज एक बात है ना मेरे को पता चली 2 मिनट में गाड़ी आ रही क्या आ रही है सो ऐसे ना एक दो दिनों में मेरे को एक बात पता चली कि गाइज किसी भी दो लोगों के झगड़े के बीच में अगर पड़ेंगे ना आप तो उनका झगड़ा सवाल हो जाएगा आपको ना यू नो अटक जाओगे उस चीज़ के अंदर तो कभी भी है ना दो लोगों के झगड़े में मदद करना ये आज की ताज़ा खबर है एंड बहुत ज़्यादा मोटू हो रहा हूँ क्या मैं यार मेरे को लग रहा है थोड़ी सी डाइट करनी पड़ेगी खाना आन सब कुछ भी खा रहा हूँ कभी भी उठ रहा हूँ कभी भी सो रहा हूँ मतलब टाइमिंग नहीं हो रहा है क्योंकि ऑफिस टाइमिंग से ऐसे ना कि चीज़ों को मैनेज करना है ना थोड़ा सा हार्ड हो चुका है सो और एक बात करनी थी किसी चीज़ के ऊपर सीरियस टॉक्स करने पे अगर लाइफ में प्लान्स आप कर रहे हो जो भी प्लान कर रहे हो ना अगर आप उस चीज़ के ऊपर है ना फोकस देखिए हाँ बाबा कि ये चीज़ जो कर रहे हैं सपोज लाइक आपको जाना है दिल्ली ठीक है तो आप बैंगलोर का रास्ता पकड़ के नहीं चल सकते है ना तो जाना एकदम अपोजिट में और जा रहे हो अपोजिट में दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग तो प्लान ऑफ एक्शंस बनाओ एंड उसके अकॉर्डिंगली ना आप वर्क करो एंड उसी रास्ते पे चलो चाहे टाइम लग जाए लेकिन अपोजिट साइड में दौड़ोगे तो फिर यू आर वेरी वेरी फार यू नो यू आर गोइंग वेरी वेरी फार ओके चलो गाइस काम हो रहा है चलो कैब आ चुकी है एंड वी आर मूविंग टू द ऑफिस नींद कंप्लीट हो गई चलो जय श्री राम गाइज मैंने ना एक काउंट देखा था या इसके ऊपर है इंस्टाग्राम के ऊपर है मैं आपको बोल के बताता हूँ आई एम सो ग्रेटफुल फॉर टुडे सो ग्रेटफुल फॉर माय लाइफ माय फैमिली माय फ्रेंड्स द ब्लेसिंग दैट कंटिन्यू टू कम द लेसन्स आई गो थ्रू एंड एवरीथिंग इन बिटवीन इसका मतलब
जिसको पता है उसको पता है कि अगर मैं पूरी चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी है ना ऐसे चीज़ें जो होती है लाइफ में है ना, उसके अकॉर्डिंग ये छोटी सी बात है, आप समझो। एंड जिसको भी समझ में आए ना प्लीज़ मेरे को कमेंट डाउन करना प्लीज़। और एक बात थी जो कि मेरे को शेयर करनी थी, लेट मी चेक, वो भी थॉट मेरे को नहीं मिल रहा है। सर्चिंग देख रहा हूँ एंड बहुत टाइम से है ना गाइस वीडियोस वगैरह भी नहीं आ रहे ना, तो सीन ऐसा चल रहा है कि ये ऑफिस के टाइमिंग के ना शेड्यूल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं, मतलब 2 वीक्स में है ना चेंजेस होते जा रहे हैं। सो वही चेकआउट कर रहा हूँ मैं कि क्या कर सकता हूँ, टाइम मैनेजमेंट है ना नहीं हो पा रहा वीडियोज़ बनाने के लिए। सो फिर भी मेरे को करना है। और एक चीज़ के लिए ना जितना भी अपन ट्राई कर रहे हैं ना, मतलब हे यार एक चीज़ है जो कि मेरे सबसे खास दोस्तों को पता है, उस चीज़ के लिए मैं पता नहीं जाने कब से ट्राई कर रहा हूँ, हो तो रही है, लेकिन किसी एक और चीज़ में थोड़े से अपने हाथ पे थोड़े से अटके हुए, दैट्स वाई वो चीज़ है ना थोड़ी सी पोस्टपोन कर रहा हूँ मैं। अगर मैं पोस्टपोन नहीं करता या फिर जो दूसरी जो भी चीज़ है ठीक है वो नहीं करता था मैं, तो फिर शायद वो जो मेरा कितने टाइम से सपना जो चलता आ रहा है ना वो आज हो जाता, कंप्लीट हो जाता। उसके ऊपर है ना बहुत सारी कंटेंट भी निकल आते हैं यूट्यूब के लिए ना, बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ मैं, बहुत सारे चीज़ें मैं यूट्यूब के लिए ना सैक्रीफाइस भी कर रहा हूँ, लेकिन जॉब भी कंटिन्यू करनी है, बहुत सारी चीज़ें। सो करते हैं यार, मेरे को है ना ये तो करनी ही है। एंड आप देख रहे हो कितना ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, स्टे वेयर योर सोल फील सैटिस्फाइड, ये देखो ये सिंपल सा है लेकिन बहुत सही है। एक छोटी सी तो लाइन है, स्टे वेयर योर सोल फील्स सैटिस्फाइड है ना, ऑसम। ऐसे थॉट्स काउट देख रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, चेकआउट कर रहा हूँ। प्लीज़ जितने भी मेरे नई, हाँ गाइस एक और बात करनी थी, जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं ना, ऑल वेलकम यार, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी एंड स्टे ट्यून। बहुत जल्द है ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जो कि आपको नहीं पता होगा, पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा। सो बस वही है जो कि कंटिन्यू करना है एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग मी। और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, ये ना 2-4 दिनों में ना जब से कुछ चीज़ें कर रहा हूँ मैं उसके वजह से है ना यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं। एंड अगर आप देख रहे हो कंटिन्यूसली वीडियोस तो फिर मेरे पुरानी वीडियोस भी जाकर चेकआउट करो, कहाँ कहाँ पर ट्रैवल किया है, मेरे मोस्ट ऑफ द कंटेंट है ट्रैवल के ऊपर ही होते हैं। एंड यार मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ यार, इसलिए शायद ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन गाइज स्टे ट्यून, करेंगे कुछ ना कुछ प्लान्स है ना है मेरे दिमाग में, 1-2 महीने का टाइमलाइन मैंने सोच के रखा है, आई होप हो जाए एंड होना चाहिए। चलो यार जय श्री राम, इतना सही चल रहा है ना अभी, ये थोड़ी सी सनलाइट आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए वेदर थोड़ा सा अच्छा खासा हो रखा है, 3-4 दिन से पूरी बारिश ही बारिश हो रही है पुणे में। एंड फिलहाल का अपडेट तो यही है बस, बाकी सब बढ़िया। ओके बाय, सी यू सून, थैंक यू बाय गाइस। बातें करने के लिए ना बहुत सारी बातें, लेकिन सीन ऐसा हो रहा है कि कभी कभी याद आती है कभी कभी नहीं आती है, अभी वो क्या गाते हैं क्या नहीं है ना ये अभी याद नहीं आ रही मेरे को। वो सॉन्ग भी था एक, कौन सा सॉन्ग था वो भी सुबह से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो याद ही नहीं आ रहा, अभी यूट्यूब पर सर्च करके देखता हूँ सुनता हूँ। चलो भाई जय श्री राम। तुला नाही आवडली, मला आवडली ना व्हाईट, चल व्हाईट कलर आहे ना, ब्लॅक पण भारी दिसते ना, व्हाईट पण भारी दिसते। हॅलो गाईज, व्हेरी व्हेरी गुड मॉर्निंग, टुडे इज डे 3rd or 4th समथिंग, और आज थोडी ना अच्छी खासी एनर्जी लग रही मेरे अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ता खत्म हो चुका है, मेरी ना रोटेशनल शिफ्ट हो गई है ना, दैट्स व्हाई इशू ये हो रहा है कि गाइज नींद ना कम्प्लीट ही नहीं हो रही है। ऑलरेडी मेरे को ना नींद के ना बहुत ज़्यादा चक्कर चल रहे हैं, कम्प्लीट नहीं होती कि नींद आती ही नहीं है, और जब भी आती है थोड़ी सी अच्छी पक्की नींद है, और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में भी चल रही होती है, सो नींद कम्प्लीट नहीं हो पाती इतनी ज़्यादा। लेकिन आज है ना कैब में एक किस्सा हुआ, और कल भी एक किस्सा हुआ था, एक है कोई बंदा, उसका नाम नहीं लेना चाहता था, वो बंदे का है ना वो आगे बैठा था,
ठीक है, आगे जो बैठने वाला होता है वो कैसे साउंड सिस्टम वगैरह ऑपरेट वगैरह कर सकता है, मोस्ट प्रॉबली हम कोई भी कर सकते हैं ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करके, लेकिन आगे बैठने वाला है ना पूरे कैब में है ना नेगेटिव एनर्जी फैला रहा है, जो कि है ना पूरा इतना बोरिंग पर्सन है ना यार, आवाज़ भी बड़ा होने का आवाज़ कम कर देगा, कुछ ना कुछ कांडिश करता रहता है। और कल का भी सीन ऐसा हुआ कि कल कैब ड्राइवर ने गाड़ी जस्ट ऐसे पिकअप कर दिया तेज़ भागने के लिए, पता नहीं सडनली उसने आगे की गाड़ी रुक गई इसलिए इतना ज़ोर से ब्रेक लगाया, जो बीच वाले बंदे थे ना वो पूरा ऐसे आगे जाके खिसक कर नीचे तक गए थे, और ऐसे है ना किससे तो हो रहे लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही नींद के चक्कर में, इसलिए मेरे को ना ढंग से वीडियोस बना रहा था, एक्टिवेट नहीं हो पा रहे थे, यू नो एनर्जी नहीं आ रही थी इतनी ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में ना ये दो हफ्ते ना ऐसे ही गए, अभी दो हफ्ते में और दो तीन दिन बचे, तो मेरे ऑफिस में दो तीन लोग मेरे को बोल रहे कि मूवीज़ का प्लान करेंगे, लेकिन आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन मूवीज़, मैं सोच रहा था कि कहीं पर ट्रैकिंग वगैरह के लिए जाए, लेकिन लेट्स सी जैसे प्लान होता है वैसे करेंगे, बिकॉज ट्रैकिंग के लिए अगर जाएंगे ना तो पूरा दिन निकल जाएगा, जो कि अच्छी भी बात है, एक्सरसाइज ट्रैकिंग ये सारी चीज़ें करनी चाहिए इंसान को, मोस्ट प्रॉबली सभी को करनी चाहिए, तो हाँ ना सभी को करनी चाहिए। और मैं जैसे वीडियोस बना रहा हूँ ना, आई नो थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि मैं खुद बोर हो चुका हूँ यार, पॉजिटिव एनर्जीज कहाँ है मेरी, ढूंढो इधर उधर, ट्रैकिंग पे जाना पड़ेगा, ट्रैकिंग पे जाना पड़ेगा, राइड पे जाना पड़ेगा, कुछ अच्छी चीज़ें करनी पड़ेगी, लाइफ में खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, एंड साइकिलिंग करनी पड़ेगी, क्या क्या बोलेगा, सुबह क्या ना गाइस, इट्स 8:10 8:10 हुए आई थिंक, 8:05 हुए रहेंगे, सो इधर बैठे बैठे मैंने सोचा कि यार अच्छी हो गया, थोड़ा सा सनलाइट भी आ चुका है अच्छा खासा, तो यू नो इट्स अ गोल्डन आवर्स, और गोल्डन आवर्स में जो भी चीज़ें करते हैं ना अपन वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। कल भी दोपहर को मैंने वीडियो बनाया था लेकिन वो ज़्यादा बोरिंग हो चुका था, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि नहीं उस चीज़ को मैं अपलोड नहीं करूँगा, एक्चुअली सीन ऐसा हो रहा है कि घर में ही ना मेरे एक दो चीज़ों की है ना बसड़ चल रही, मतलब जो प्लान ऑफ एक्शन पे मैं वर्क करना चाह रहा हूँ ना वो प्लान ऑफ एक्शन पे कुछ मेरे घर वाले कुछ क्या कोई काम मतलब सुनता ही नहीं है, प्लान ऑफ एक्शन अलग है, वो वर्कआउट अलग तरीके से कर रहे हैं और वो मैं नहीं चाह रहा हूँ, मतलब वो चीज़ें गलत हो रही है, फिर मैनेजमेंट है ना ठीक से नहीं हो पा रही, उस चक्कर में है ना मेरे दिमाग में है ना भसड़ चल रही है, और पता नहीं आधी से ज़्यादा चीज़ें है ना घर से ही मेरी ख़राब होती जा रही है, अगर प्लान ऑफ एक्शन मेरा है ना तो मतलब यार ऐसा क्यों होता है कि अगर आप प्लान बना रहे हो कुछ आपको 100% श्योरिटी है कि उस चीज़ के ऊपर अपने को वैसी चीज़ें करनी है तो क्यों नहीं करते हैं लोग, मतलब क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जैसे कि आपको जाना है राइट लेंगे लेफ्ट तो चलेगा क्या, वो जाना है दिल्ली पहुंच गए तो इधर और ही ऐसे थोड़ी चलता है। हाँ मैं 5 मिनट देता हूँ, अभी 5 मिनट ये तो मतलब विदाउट रीजन देर इज नथिंग इन लाइफ, ते वुडपीकर है ना रे आए तो पक्षी वुडपीकर है का कुठला है तो वुड वरती बघना ते करतोय त्याची चोच पण बघतेशी गाइस, इधर का अभी बारिश हुई एंड दिस इज ऑसम, हम जस्ट घूम रहे, धूप थोड़ी देर पहले नहीं थी अभी जस्ट धूप आई है, और काफ़ी अच्छा और पूरा गीला गीला हो चुका है, स्लिपरी भी हो चुका है, क्या सही दिख रहा है ना, या अभी थोड़ी सी गर्मी नहीं है इसलिए ऐसा ही, नहीं तो फिर गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़त्म सीन हो जाते हैं। ऐसा सीन है कि आशा कहीं नहीं मेरे मैं क्या बोल पाऊँ ऐसे प्राइज मीट चिमनी भारी दिखती है नर्स, गुस्सा है थोड़ी सी नहीं वो पक्का दिख रहा है
चेहरे पे दिख रहा है इसके, क्यूट दिख रही है आज, लुकिंग गॉर्जियस विद येलो येलो घातले ना म्हणून चांगली दिसते करतो. माझा फेवरेट आहे ना कलर मोबाईलचा सुद्धा म्हणून. थोड़ी देर पहले मैंने जो दिखाया था ना बारिश पूरी हो गई थी लेकिन सन आ गया था. यस सन, यस सूरज आ रहा था. तो ये क्यों ऐसी आज दिख रही है वो बता मेरे को. किसका बर्थडे? नहीं ये इसका बर्थडे तो नहीं, इसका बर्थडे मैं माहिती कभी आता कभी आता बताओ ना. 16th पार्टी, ग्रैंड पार्टी रखेंगे स्वप्निल गैजा सर. हां हां बैठे होते गाइस. मैंने ना दो तीन दिन से वीडियोस नहीं बना रहा था ना, पता नहीं क्यों नहीं बना रहा था, ध्यान नहीं था गाइस. हम मूड थोड़ा सा ऑफ चल रहा था किसी चीज के ऊपर है ना. यू नो मैंने बात भी करी थी इस चीज के ऊपर कि कुछ इसको भी बताया था मैंने. ये देखा क्लाउड कितना अच्छा लग रहा है. एंड वैसे भी ये देख रहे हो क्या इसके जो ये कान में, ये लास्ट टाइम हम लोग गए थे ना वही पे शॉपिंग किया था हम लोग. सो अभी एक दो रील्स बना रहा हूँ मैं, देखते इस लड़की के रील्स कैसे आते हैं. स्लो मोशन ये जो कैमरा के ऊपर स्माइल दिख रही है ना, ये सिर्फ कैमरा के ऊपर है. कैमरा इधर करो, स्माइल करो. ऐसा कुछ नहीं, वही सही है. गाइज एक बात कहनी थी एक्चुअली, उसके लिए कहनी थी डू नॉट अफ्रेड टू डू द थिंग्स दैट वॉन्टेड टू यू डू. बड़ा सा उल्टा सुलटा नहीं सीधा ही बोला. हाँ समझ में आया रहेंगे ना तो करो, जो चीज़ें हमें करनी है ना वो करते रहना चाहिए. भले उसमें टाइम लगेगा, थोड़ी सी मुश्किलें होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी थोड़ी सी नहीं, लेकिन करते रहना यार. जो चीज़ दिल को अच्छी लगे ना वो करते रहो. इसको कब से बोल रहा हूँ आपको, तो मतलब कितने लोगों को बता रहे हैं मेरे कि ये यू नो वीडियोज एंड ऑल बनाते रहते हैं, लेकिन इसकी एडिटिंग नहीं हो पा रही है कितने दिन से. पता नहीं किस चीज़ के चक्कर में अटकी पड़ी है, एडिटिंग ही नहीं कर रही. एक वीडियो रेडी है लेकिन अपलोड नहीं कर रही, आई डोंट नो व्हाई. चलो ठीक है, इट्स ओके. बट इन फ्यूचर मेरे को इसको अगर कुछ सजेस्ट करना है ना तो यही करूँगा, स्टिक विद योर वर्क, स्टिक विथ योर हॉबीज, पैशन, ये सारी चीज़ें फॉलो कर. ठीक है ना, चलो इट्स ओके. बाय, जय श्री राम गाइस. अख्खा बोग मोबाईल किती झटके विस्तव वाजतात बरोबर. याच्यामध्ये पण लुक भारी येतो असा फक्त मला बॅकग्राऊंडला. लय भारी सगळं व्हायब्रंट झालंय तिकडे, समोर पण तसंच वाटतो. ते समोर बघ ना व्ह्यू कसला भारी येतो. हा असम. नाही कशाला हप्त्यानी घेतलाय, कॅश कशाला असत, कॅश यूज नाही करायची जास्त, ऑप्शन असतो आपल्याला तर. आजकाल रोजच केवळ पडायला लागले सर. समोर कार आहे ना त्याच्या, तिथं कारच्या पुढे जा.